अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज जो है आपके भाई की जॉब नहीं है, तो आज जो है मैंने रनिंग करनी है थोड़ी सी, क्योंकि पता है वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो अभी मैं जॉगिंग करूँगा जाके ग्राउंड में, ठीक है। और वहाँ पे ना कुछ इक्विपमेंट्स भी पड़े हैं यार, एक तो गाड़ियों का शोर जो है ना, वहाँ पर जो है ना इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, वहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करूँगा, वेट थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, ज़्यादा नहीं है बड़ा, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल और हो जाए, ठीक है। आज ना समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे इतना ट्रैफिक है, पहले कभी भी यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं देखा। और अब ये जो है ना रास्ता दे रहे हैं एम्बुलेंस को, यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है, एम्बुलेंस वगैरह हो तो उसको रास्ता देते हैं। और जो पीछे आप ये गाड़ी देख रहे हैं, शायद इस वजह से ये गाड़ी जो है ना ये मैयत वाली गाड़ी है, ठीक है। हमारी तो मंजियाँ होती हैं, इनके गाड़ियाँ, और ये लंबी लंबी गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये सारी मैयत के साथ आई हैं, ठीक है। उसके मिलने वाले जो हैं उसके रिश्तेदार लंबी गाड़ियों में आए हैं। ये जो है ये कोई फौत हुआ है तो उनके जो है ना आए हैं, वहाँ तक जो है ना रश लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अब के सीन जो है ना कुछ ये बन गए हैं कि यहाँ पे रुकना पड़ रहा है बस स्टॉप पे, ऊपर शेड है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बारिश हो गई है। और मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ की जो बारिश होती है वो आपको भिगाती भी नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं आपको बारिश दिखाता हूँ, आप देखना कि आपको ऐसा लगेगा कि यार बारिश हो ही नहीं रही, जो जिस हिसाब से पाकिस्तान में होती है ना उस लिहाज से यहाँ पे हो ही नहीं रही। देखें बमुश्किल ही आप देख पा रहे होंगे कि बारिश हो रही है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बारिश हो ही नहीं रही। अच्छा जी, जितनी जल्दी बारिश यहाँ पर शुरू हुई थी उतनी जल्दी यहाँ पर बारिश ख़त्म हो भी गई है। ऐसी छोटी सी जिसे कहते हैं ना कनियाँ पड़ी हैं और बारिश ख़त्म भी हो गई है। अब मैं फिर ग्राउंड की तरफ जा रहा हूँ, तो ग्राउंड में जा कर ना कुछ एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा जी, पार्क में जो है हम आ चुके हैं, तो अब थोड़ी देर मैं कैमरे को ना बैग में रख के जॉगिंग करूँगा ताकि थोड़ा सा जिस्म जो है वार्म अप हो जाए। फिर आप वो देख सकते हैं उस साइड पे जो हैं इक्विपमेंट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, तो उससे जो है हम थोड़ी सी कसरत करेंगे ताकि अपने आप को तंदुरुस्त रख सकें। और बाकी भी आपको पता ही है, आगे के सीन आगे जाके बताता हूँ। अच्छा जी, मैं ना रनिंग दे तकरीबन ना 3-4 जेरे ना चक्कर में ला ले लें, तो इधर आता जिधर जिसम खुल गया, मज़ा आ गया उस साज पर ना दिनों के बाद रनिंग की थी, मज़ा आ गया, ठीक है। तो दूसरी गल इदा कि जो तो मैं ना रनिंग कर रहा सीगा, उर्दू में आ जाते हैं, जब मैं रनिंग कर रहा था तब बारिश फिर शुरू हो गई। और जब यहाँ पे बारिश शुरू हुई वो फिर ऐसी बारिश हुई, पंजाबी च ना सा कोई जो देसी भरा ना जो साढ़े पिंड वाले जे जिन पेंडू कहें असं, वो बंदा छिक मारे दे जो छिटे मूँह तो नहीं पैंते, और छिटे मूँह तो इन्होंने बारिश पैंते हैं। तो तुम हिसाब ला लो, इतने बारिश इदा नहीं होंगी है, मैं बारिश नठी गया तो मैं भिजा फिर नहीं भिजा। तो बाकी ना आज देखो पीछे बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह। अच्छा जी, अब ना रनिंग तो मैंने कर ली हुई है, लेकिन अब एक छोटा सा काम पेंडिंग पड़ा था कितने दिनों से, तो मैं ना सोच रहा हूँ कि वो भी काम जो है ना आज ख़त्म कर लूँ। मेरे बहुत ही मोहतरम उस्ताद गुलाम अली साहब जो है ना, उस्ताद गुलाम अली साहब, वो वाले उस्ताद नहीं, ये मेरे अपने उस्ताद हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे एक काम कहा था, उन्होंने कहा कि यार इधर ना पियानो के रेट पता करने हैं, तो मैं अभी ना एक म्यूज़िकल शॉप है यहाँ पे पास ही है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। और वहाँ पे अब देखो फिर बारिश शुरू हो गई, ये बारिश है यहाँ की, मैं वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ पर जाके जो है रेट पता करता हूँ पियानो के रेट क्या है। यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो महंगे हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ। अच्छा जी, बारिश जो है ना रुक चुकी है, 2-2 मिनट के बाद बारिश होती है और फिर रुक जाती है। और अब जो है ना हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आज मैंने नाश्ता नहीं किया, तो जब पियानो का रेट पता कर लेंगे उसके बाद जो है हम जाएंगे एज़ा। एज़ा से ना हमारे अंडे, दूध, डबल रोटी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हुई पड़ी हैं, तो यहाँ से पियानो वाले से फ्री हो के हम जाएंगे एज़ा। एज़ा से कुछ सामान लेंगे और जाके शाम को अपना नाश्ता बना के खाएँगे, ठीक है। और बाकी ये कि रोड जो है काफ़ी ना इनका स्लिपरी हो गया हुआ है। अच्छा जी, तकरीबन ना 10 मिनट लगे हैं आगे हुए हैं शॉप से थोड़ा सा 5 मिनट का फासला है, ठीक है, आ गए हुए हैं। और रास्ते में ना एक म्यूज़ियम भी था आया, उस म्यूज़ियम में इतना रश था, दिल कर रहा था कि अंदर जाऊं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी लाइन वहाँ पर लगी हुई थी, तकरीबन 1 घंटा तो जो है हमें उस लाइन में ही लग जाना था। इस वजह से मैंने ना अंदर जाने का जो प्लान है वो कैंसिल किया है। अब वो सामने दुकान है और 5 मिनट में हम उधर पहुंचने वाले हैं। अच्छा जी, इस वक्त जो है ना मैं यहाँ पे शॉप पे मौजूद हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे हर तरफ जो है ना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं यहाँ पे,
आप देख सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे जो है पियानोज भी पड़े हुए हैं। पियानोज के बारे में पता करना था, यहाँ पे यामाहा आके लगे हुए हैं पियानो, और तकरीबन इनकी जो प्राइस है वो 700 से 800 पाउंड जो है ना इनकी प्राइस है, ठीक है। जो मुझे गुलाम अली ने कहा था ना, वो जो है ना वो नीचे है पियानो रोनाल्ड का है, और वो महंगा है ज़्यादा। मैं उसको भी देख लेता हूँ, तो नीचे जाना पड़ेगा। काफ़ी बड़ी दुकान है, और इनके पास जो पियानो पड़े हुए हैं ना वो ज़्यादातर क्या सारी इनके पास सेकंड हैंड ही है। अब जो ये वाला जो पड़ा हुआ है हेमंड का, ये इनके पास है 600 पाउंड का, और इसके अलावा यस थैंक्स। Yes, thanks. Okay. और अब जिस पियानो की जो है ना गुलाम अली बात कर रहा था ना, वो उनके पास है ये वाला पियानो, ये वाला रोनाल्ड का पियानो है साइज में छोटा। इससे ऊपर वाला भी जो है ये वाला भी ना रोनाल्ड का पियानो है, ठीक है। और जो नीचे वाली की जो प्राइस है, अगर आप कैमरे में देख सकें तो 749 पाउंड है इसकी प्राइस, और ऊपर वाले की जो प्राइस है वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई, शायद साइड पे लिखी हो। एक्सक्यूज़ मी हाउ मच फॉर सेकंड वन? यस 400। जो ऊपर वाला है इसकी 400 है पाउंड, और जो नीचे वाला है इसकी है 749 पाउंड। ठीक है उस्ताद जी, आपके लिए देख लिया है पियानो, अब जो आपको समझ में आया आप मुझे बताना है, ठीक है। और बाकी मेरे हिसाब से तो बहुत एक्सपेंसिव है, बाकी आप देख लीजिएगा। ओके थैंक्स थैंक्स। कुल मिला के देखा जाए ना तो आज का दिन जो था वो प्रोडक्टिव रहा, पियानो का भी पता कर लिया, और जो है रनिंग वगैरह एक्सरसाइज भी कर ली, और उसके अलावा जो है अब बस एजदा से जाना है सामान लेना है कुछ घर का, और अगर ये भी ले लेंगे तो आप समझ लें कि आज का दिन जो है टोटली प्रोडक्टिव हमारा रहेगा। तो अब एजदा जो है यहाँ से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वो भी 5 से 10 मिनट के फासले पर है यहाँ से, फिर एजदा से आगे 10-15 मिनट के फासले पर घर है, तो वैसे ही वर्जिश हो जाती है, रोज़ इतना चलना पड़ता है। और इस वक्त जो हम जिस बिल्डिंग से गुज़र रहे हैं ना, ये वाली, ये एक स्कूल है, और वो सामने इसका नाम लिखा हुआ है ऑल सेंट्स जो है ना स्कूल है, ये मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट तक है यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे के सीन आगे जाके बताता हूँ। अच्छा जी, मैंने ना ऐसा से अब सामान ले लिया हुआ है, ये देखें ये सामान मैंने सारा ले लिया हुआ है, अंडे भी आ गए, वो ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए कुछ, और फल भी ले लिए, दूध भी ले लिए, अंडे भी ले लिए, डबल रोटी हर चीज़ ले ली है। और ना अंडे ना वो प्राइस देते हुए ना अंडे की, अंडे मेरे से गिर गए कुछ टूट के, अब पहले मैं झिझकूँ कि मैंने कहा यार इसे पूछूंगा कि मुझे दोबारा नए मिल सकते हैं कि नहीं, पाकिस्तान में होता ना कहना चल तेरे तो टूटे चल ले के चल, मैंने उसको कहा कि इट वॉज़ ब्रोकन, और उसने कहा कि यू कैन चेंज, मैं क्या बात है, फिर मैंने चेंज करके नए लिए। और यहाँ पर हमारी जो है व्लॉग का अख्ताम होता है, ठीक है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।